व्हाइट हाउस में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक, डेढ़ घंटे से ज्यादा चली मुलाकात। दोनों नेताओं ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की, कहा हम इस दशक में नई साझेदारी को तैयार। मोदी बाइडेन के बीच अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी हुई चर्चा, दोनों देशों ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका पर चिंता जताई। बाइडेन बोले अफगानिस्तान से भले ही अमेरिकी सेनाएं लौटी लेकिन उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को दिया भारत आने का निमंत्रण, कहा भारत आपका स्वागत करने को तैयार है। इससे पहले उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी न्योता दिया था। पीएम मोदी ने जो बाइडेन से मुलाकात में कहा भारत अमेरिका के रिश्तों के लिए आपका विजन प्रेरक, दोनों देशों का लोकतंत्र और परंपराएं पूरी दुनिया के लिए मिसाल। बाइडेन से मुलाकात में बोले पीएम मोदी इस दशक में टैलेंट का अलग महत्व है, अमेरिका के विकास में भारत के टैलेंट की अहम भूमिका, व्यापार में दोनों देश दूसरे के पूरक हो सकते हैं। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच महात्मा गांधी का भी जिक्र हुआ। मोदी बोले महात्मा गांधी कहते थे हम इस प्लैनेट के ट्रस्टी हैं, हमें इसकी रक्षा करनी है। बाइडेन ने कहा हमें महात्मा गांधी के मूल्यों को नहीं भूलना। पीएम मोदी से मुलाकात में जो बाइडेन ने कहा भारत और अमेरिका के संबंध कई वैश्विक चुनौतियों को हल कर सकते हैं, मैंने 15 साल पहले कहा था कि भारत यूएस करीबी दोस्त होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा 40 लाख भारतीय अमेरिका को कर रहे हैं मजबूत, लोगों से लोगों का संपर्क अहम है। 2014 और 2016 में मोदी से मुलाकात में अमेरिका संबंधों को लेकर उनका विजन देखा था। पीएम मोदी से जो बाइडेन ने अपने मुंबई दौरे का भी जिक्र किया। बाइडेन बोले मैं आपको काफी वक्त से जानता हूं, मुझे खुशी है आप व्हाइट हाउस आए। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान भारतीय मीडिया की भी तारीफ की, कहा अमेरिकी प्रेस की तुलना में भारतीय मीडिया करती है बहुत अच्छा व्यवहार। व्हाइट हाउस में मोदी बाइडेन के बीच दिखी शानदार केमिस्ट्री, बाइडेन ने गर्मजोशी से स्वागत किया, पीएम मोदी ने आभार जताया। भारत में बाइडेन के वंशजों के दस्तावेज पहुंचे हैं मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया जिसमें कहा जो बाइडेन के साथ मुलाकात अच्छी रही, वैश्विक मुद्दों पर बाइडेन का नेतृत्व सराहनीय, कोरोना और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर हम मिलकर काम करेंगे। सूत्रों के मुताबिक मोदी बाइडेन की द्विपक्षीय बैठक का वक्त एक घंटे निर्धारित था लेकिन डेढ़ घंटे तक चली बात और बाइडेन ने अगली बार की बैठक का वक्त दो दिन से ज्यादा निर्धारित करने की इच्छा जाहिर की। मोदी बाइडेन की मुलाकात से पहले व्हाइट हाउस के बाहर दिखा जबरदस्त जोश, पारंपरिक भारतीय नृत्य करते दिखे लोग, मोदी मोदी के नारे भी खूब गूंजे। अमेरिका में पीएम मोदी ने साथी क्वाड नेताओं को दिए खास तोहफे, कमला हैरिस को उनके दादा पीवी गोपालन से जुड़े नोटिफिकेशन भेंट किए, ऑस्ट्रेलियाई पीएम को जहाज का शिल्प दिया तो जापान के पीएम को चंदन से बनी बुद्ध की मूर्ति गिफ्ट की। व्हाइट हाउस में क्वाड देशों की बैठक हुई, दो घंटे से ज्यादा वक्त तक चली बैठक में पीएम मोदी, जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम योशिहिदे सुगा शामिल हुए। क्वाड की बैठक में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने कहा हिंद प्रशांत क्षेत्र समेत पूरी दुनिया में शांति के लिए साथ मिलकर काम करने की जरूरत, वैक्सीन की सप्लाई चेन के लिए भारत की तारीफ की। क्वाड की बैठक में बोले पीएम मोदी कोरोना के खिलाफ जारी है लड़ाई, मुझे विश्वास है कि क्वाड ग्रुप विश्व में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगा। क्वाड की बैठक में पीएम मोदी का चीनी ऐप्स पर कड़ा रुख, सूत्रों के मुताबिक क्लीन ऐप मूवमेंट को ध्यान देने पर जोर दिया और इस पहल का क्वाड के दूसरे देशों ने स्वागत भी दिया। क्वाड देशों की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा हम चार बड़े लोकतांत्रिक देश, हमारे बीच सहयोग का लंबा इतिहास, हम जानते हैं कैसे हासिल किया जाता है लक्ष्य। क्वाड देशों की बैठक में ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन बोले हम चारों देश एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं जो आजादी देती है, हमारा खुले और मुक्त इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भरोसा।
जापान के पीएम योशिहिदे सुगा का बयान, कहा क्वाड बैठक का अब होना इस बात को दिखाता है कि तमाम देश स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के समर्थन में। चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और जरूरी खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर। पीएम मोदी आज शाम 6:30 बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। कोरोना, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन समेत कई वैश्विक मुद्दों पर जोर रहेगा। कुछ घंटे पहले वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। पीएम मोदी आज ग्लोबल सिटीजन लाइव कार्यक्रम को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। गरीबी खत्म करने के लिए काम करने वाला संगठन है ग्लोबल सिटीजन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्लोबल सिटीजन लाइव के आज होने वाले प्रसारण में भारत की तरफ से मुंबई की भागीदारी रहेगी। अमिताभ बच्चन समेत कई बड़े सितारे और सद्गुरु भी इसमें शामिल होंगे। एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर, अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ बड़े राजनीतिक विकल्प की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक हामिद करजई, ए अब्दुल्ला, अमरुल्ला सालेह और अहमद मसूद एक दूसरे के संपर्क में हैं। यूपी के प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई आज से औपचारिक जांच शुरू कर सकती है। कल सीबीआई ने आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई फॉरेंसिक टीम की मदद से क्राइम सीन का रिक्रिएशन कराएगी। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों और गवाहों से पूछताछ भी करेगी। महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी पर सस्पेंस के बीच प्रयागराज के एक वकील ने एबीपी न्यूज को दिखाया वसीयतनामा। नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में बाघंबरी पीठ के वारिस के तौर पर बलवीर गिरी के नाम का जिक्र है। महंत नरेंद्र गिरी के नए उत्तराधिकारी पर फंसा पेट। सूत्रों के मुताबिक बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाने के पक्ष में नहीं है संत। बलवीर गिरी का पट्टाभिषेक नहीं होगा। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में उनके कई ऐसे शिष्यों पर भी जांच की आज, जिन्होंने हाल ही के दिनों में खूब संपत्तियां बनाई। ऐसे शिष्यों में सबसे ऊपर जौनपुर निवासी अभिषेक मिश्रा का नाम है। 20 सितंबर को बाघंबरी मठ में मिला था नरेंद्र गिरी का शव। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक फांसी से हुई थी मौत। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी आनंद गिरी, आद्या और संदीप तिवारी अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। अखाड़ा परिषद के दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी के शोडशी संस्कार के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे निरंजनी। अखाड़े के साधु संत दिल्ली आकर मिलेगा ये प्रतिनिधिमंडल। असम के दरांग में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस आज बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सकती है। गुरुवार को अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस और स्थानीय लोगों में झड़प में 2 की मौत हो गई थी। माहौल अब भी तनावपूर्ण बना हुआ है। असम हिंसा पर कांग्रेस का सवाल, पूछा बड़ा भाई सीएम और छोटा भाई एसपी तो क्या जिसे चाहेंगे उसे गोली मारेंगे। दरांग के डीसी और एसपी को निलंबित कर हिंसा की न्यायिक जांच कराने की मांग पर अड़ी कांग्रेस। असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने पुलिस का बचाव किया, कहा 10,000 लोगों ने पुलिस को घेरा, उसके बाद ही पुलिस ने अपने बचाव में जवाबी कार्रवाई की। राहुल गांधी ने असम में हुई हिंसक झड़प को प्रायोजित बताया, ट्वीट कर कहा मैं असम में अपने भाई बहनों के साथ खड़ा हूं, भारत का कोई भी बच्चा इसके लायक नहीं। और देखिए अब चुनाव और राजनीति से जुड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं, उनसे भी आपको अपडेट करा देते हैं। आज होने जा रहा है भारत का पहला विशाल सहकारिता सम्मेलन, गृहमंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 2,000 से ज्यादा लोग मौजूद रहेंगे। शाह के सहकारिता मंत्री बनने के बाद पहला बड़ा आयोजन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज शाम दिल्ली आएंगे, कल सुबह 10 बजे नक्सल मुद्दे पर बुलाई राज्यों की केंद्र की बैठक में शामिल होंगे। अमित शाह की अगुवाई में बैठक होगी। हरियाणा के जींद में आज INLD की बड़ी रैली, मुलायम सिंह यादव, प्रकाश सिंह बादल, फारूक अब्दुल्ला और चंद्रबाबू नायडू समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। सुबह 11 बजे से रैली। यूपी में बीजेपी और निषाद पार्टी ने फिर से हाथ मिलाया, प्रदेश बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने संजय निषाद के साथ लखनऊ में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ में कल बीजेपी का विशाल किसान सम्मेलन, सीएम योगी किसानों से संवाद करेंगे, किसानों के हित में हो सकते हैं कई बड़े ऐलान।
मिशन यूपी के तहत AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का आज प्रयागराज दौरा, दोपहर को बाहुबली अतीक अहमद के घर पहुंचेंगे और वहां लंच करेंगे। प्रशासन से अनुमति मिली तो सभा भी करेंगे। उत्तराखंड में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का बड़ा बयान, कहा हर कांग्रेसी बीजेपी में आने को इच्छुक, बीजेपी में हाउसफुल का बोर्ड लगाने की जरूरत पड़ जाएगी। पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी 5 दिनों के भीतर तीसरी बार दिल्ली पहुंचे। कैबिनेट विस्तार पर राहुल गांधी के साथ की बैठक, गुरुवार देर रात 4 घंटे तक बैठक में मंथन हुआ है। पंजाब में नई कैबिनेट बनाने को लेकर अब भी फंसा हुआ है पेंच, जबकि सीएम और 2 डिप्टी सीएम 5 दिन पहले शपथ ले चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक चुनाव से पहले कैबिनेट के नए चेहरों के साथ तालमेल बिठाना चाहती है कांग्रेस। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एबीपी न्यूज से कहा, अमरिंदर के मन में गुस्सा हो सकता है जिसकी वजह से वो सिद्धू के खिलाफ बोले, वरना वो कभी कांग्रेस के खिलाफ काम नहीं कर सकते। पंजाब में पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर के एक और करीबी अफसर का हुआ तबादला, आईजी राकेश अग्रवाल को रोपड़ रेंज से हटाकर एके मित्तल को नया आईजी बनाया गया। अकाली दल 29 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास तक विरोध मार्च निकालेगा, कहा किसानों की सुन नहीं रही पंजाब सरकार, किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव खरीदी जा रही। पंजाब के बाद राजस्थान कांग्रेस में हलचल तेज, सचिन पायलट ने दिल्ली आकर राहुल गांधी से मुलाकात की, बैठक के दौरान प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। कोलकाता पुलिस ने सीएम ममता बनर्जी के घर के पास शव के साथ प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेता प्रियंका टिबरेवाल, सुकांता मजूमदार और अर्जुन सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की। बीजेपी नेताओं का दावा, 2 मई को चुनाव नतीजों वाले दिन बंगाल में उनकी पार्टी के नेता मानस साहा पर हमला किया गया, जिनकी परसों मौत हो गई। बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर राजनीति जारी, लालू यादव का केंद्र पर निशाना, कहा बीजेपी और RSS को पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों, जातीय जनगणना से सभी वर्गों का भला होगा, सबकी असलियत सामने आएगी। जेडीयू के केसी त्यागी ने जातिगत जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट में दिए केंद्र के हलफनामे को चौंकाने और निराश करने वाला बताया, केंद्र ने साफ किया है कि वो जनगणना में ओबीसी जातियों की गिनती नहीं करवाएगी। मायावती ने जाति जनगणना कराने से इनकार पर मोदी सरकार को घेरा, कहा बीजेपी की ओबीसी राजनीति का पर्दाफाश हो गया है, बीजेपी की कथनी करने में फर्क फिर सामने आया। यूपी के जबरन धर्मांतरण केस में गिरफ्तार मौलाना कलीम सिद्दीकी से यूपी ATS ने शुरू की पूछताछ, मुजफ्फरनगर से कलीम सिद्दीकी के नजदीकी हाफिज इदरीश को हिरासत में लिया गया। यूपी ATS ने धर्मांतरण मामले को लेकर हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी जारी की, मौलाना कलीम और उमर गौतम की चल अचल संपत्ति और अन्य जानकारी हासिल करने की कोशिश। यूपी के गोंडा में बढ़ता जानलेवा बुखार का खतरा, जिला अस्पताल में लगातार भर्ती हो रहे बीमार बच्चे, OPD में रोजाना करीब 100 मरीज पहुंच रहे हैं, प्रशासन का दावा कहीं कोई गंभीर स्थिति नहीं है। देश भर में लगातार बढ़ रहा डेंगू और वायरल बुखार का कहर, मध्य प्रदेश भी प्रभावित राज्यों में, रतलाम में सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भीड़, बेड तक कम पड़े। पंजाब के कई जिलों में तेजी से पैर पसारता डेंगू बुखार, श्री मुक्तसर साहिब में 328 डेंगू के मरीजों की पुष्टि, लेकिन ABP न्यूज की टीम को सिविल अस्पताल के डेंगू वार्ड में लगा मिला ताला। देश में 24 घंटे में कोरोना के 31,382 नए मामले आए, 318 की मौत, एक्टिव केस घटे, टीकाकरण का आंकड़ा 84 करोड़ के पार। महाराष्ट्र में 4 अक्टूबर से खुलेंगे कक्षा 5 से 12 तक के स्कूल। ABP News, आपको रखे आगे।